वेलकम टू बाजरे एक्सोटिक पैक। और आज की वीडियो में जो है थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना है, तो बहुत सारे लोगों का रिक्वायरमेंट आ रहा था। तो एक अभी मेरे पास बर्ड जो है वो इंजर्ड में आया, मतलब इसको बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, तो देख ही सकते हो इसका कंडीशन कितना लो हो चुका है। और इसका जो लेग्स है ये वर्किंग नहीं कर रहा है अभी कुछ भी, देख रहे दोनों लेग इसका टूटा हुआ है, ऑलमोस्ट ब्रेक हो गया है, तो ये चल भी नहीं सकता, खड़े भी नहीं सकता, इसकी इतनी बेकार हालत है। और ये एकदम लूज हो चुका है, इसका शायद कहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको चोट लगी है, किसी ने मारा है कौवे ने, तो बेसिकली अभी हम इसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो बर्ड है आपको मैं दिखा देता हूँ बाहर निकाल के, ये खुद से खड़े भी नहीं रह पाता है, इतना ज़्यादा वीक हो गया, तो देख सकते हो इतना ज़्यादा डाउन हो गया है। तो अभी हमें कोशिश करेंगे इसको रिकवर करने की। तो जिसके पास भी कोई भी एग्जॉटिक बर्ड्स है, जैसे इंडियन बर्ड छोड़ के इंडियन एग्जॉटिक बर्ड्स है, और कभी किसी को मिला है तो यहाँ पे ला सकते हैं वाइल्ड एग्जॉटिक बर्ड्स पे, हम उसको ट्रीटमेंट भी करने का ट्राई करेंगे, बट कोशिश करेंगे वेटनरी के पास लेके जाइए। इंडियन जितने भी बर्ड्स हैं उनको वेटनरी के पास लेके जाना ही सजेशन है, क्योंकि वो हम लोग ट्रीट नहीं कर सकते और वो डॉक्टर ही ट्रीट कर सकता है। ये भी बर्ड जो है ये मेरे पास आया है, किसी ने दे दिया, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इसको ट्रीट कर दूँ। तो दिखाता हूँ, सबसे पहले ये खाना तो खा नहीं पाया, भूखा है शायद, तो इसको मैं सबसे पहले हैंड फीडिंग कराने का ट्राई करता हूँ। देख सकते हो इसकी वीकनेस कितनी आ गई है, खाना भी इसने मतलब खाया नहीं कुछ से, एकदम इसका बोन निकल चुका है, ये बोन होता है जिससे बहुत हल्का हो चुका है। तो अभी जैसे कि मेरा A19 हैंड फीडिंग फॉर्मूला है और बहुत अच्छा ट्रेन बर्ड है ये, और जैसे इसको नीचे रखूँगा तो खड़े भी नहीं हो पा रहा है, इतना ज़्यादा डाउन हो गया है। तो ये जो वीडियो है हम इसका अपडेट देते रहेंगे, बर्ड की कंडीशन क्या है, कैसा उसको ट्रीट करें, और ये आप लोग प्रे करिए कि बच जाए। तो ये देखिए मैं भी इसको हैंड फीडिंग लिया हूँ, ठीक है थोड़ा सी, और ये जो है मैं इसको खिलाने की ट्राई करता हूँ। खिलाने का जो तरीका है मेरा अलग है, मैं नीडल यूज़ करता हूँ, डायरेक्ट इसको अंदर डालना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो खाएगा नहीं, क्योंकि ये बड़ा बर्ड है। तो देख सकते हो मैं इसका हैंड फीडिंग फॉर्मूला इसका जा रहा है इसके बॉडी के अंदर, तो इसके अंदर थोड़ी एनर्जी और ताकत आ जाएगी। अभी इसको ज़्यादा नहीं, 1.5 ml तक का हैंड फीडिंग फॉर्मूला दिया हूँ, जिससे कि वो थोड़ा सा, ये भी देखो इसका ये जो क्रॉप है ये फुल हो गया, इसको ज़्यादा भी फीड नहीं दे सकते, हर 2-2 घंटे में देना पड़ेगा, जिससे अभी इसका क्रॉप देखे एकदम अभी फुल हो चुका है। थोड़ा सी और दे सकते हैं इसको चाहिए तो, एक इनकी कैपेसिटी होती है 10 ml तक की, इजीली लोग खा सकते हैं। अब तो मैं 8 ml तक का इसको ट्राई करूँगा देने का, क्योंकि बहुत टाइम से भूखा है। और हैंड फीडिंग में क्या है, A19 में वाटर है और सब चीज़ विटामिन एंड सब चीज़ फूड और सब चीज़ आ जा रही है, तो इसके लिए मैं हैंड फीडिंग प्रीफर करता हूँ एग्जॉटिक बर्ड को देने के लिए। तो इनके अंदर एनर्जी आ जाएगी ऑटोमेटिक, क्या ये अपने आप को एक फील करे। और इसकी मेडिसिन भी मैं दूंगा, बट मेडिसिन मैं दिखाऊंगा नहीं वीडियोस में, क्योंकि मेडिसिन से क्या होता है, मेरे बर्ड पे काम होती है बट आपके बर्ड पे काम नहीं है तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो आप जितना हो सके वीडियो को देखिए, इसकी फीलिंग फिर बनेंगे इसको कैसे हम ट्रीट करें क्या है, और जितना हो सके लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, ताकि ये बच्चा देखो, और ये बच्चे को हम ट्राई करते हैं बचाने में, तो होपफुली ये बच जाए, तो आप लोग भी ट्रे करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाजरे एक्सोटिक पैक।